हेलो एंड वेलकम बैक अब डिस्कस करते हैं एग्जांपल फ्रॉम इंडा यहां पर दिया है इफ एक्स इज इक्वल टू वाई रेस टू ए वाई इज इक्वल टू जेड रेस टू बी एंड जेड इज इक्वल टू एक्स रेस टू सी देन ए बी सी इज अब अगर हम इस इक्वेशन पे ध्यान दें वाईक्वल टू जेड रेस टू बी अब z को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y को भी हम लिख सकते हैं टर्म्स ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशन तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल सकती है इस इक्वेशन में से अब यहां पे a जो है y का पावर है अगर इस तरफ ट्रांसफर हो गया तो वो जाएगा x का रूट यानी हम सकते हैं इक्वल टू एक्स रेज़ टू वन बाय ए तो ए अगर इस तरफ शिफ्ट हो जाता है तो ये पावर का बन जाता है रूट सो इट बिकम्स एक्स रेज़ टू वन बाय ए तो ये आ गई वाई की वैल्यू यहां पर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू वन बाय ए एंड z की वैल्यू देखिए यहां से गई यहां से मिल जाएगी वट इज जेड इक्वल टू एक्स रेस टू सी ये जो z है इसे हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं x टू टू c द होल थिंग b अब दोनों तरफ देखें बेस हमारा सेम हो चुका है सो लेट इज सिंप्लीफाई दिस x रेस टू वन बाय ए इज इक्वल टू एक्स रेस टू बी इंटू सी ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने पावर अब बेस सेम होने के वजह से हम पावर्स इक्वेट कर सकते हैं सो वी खुद से वन अपॉन ए इज इक्वल टू बी इन टू सी ए को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं सो वी गेट ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू वन एंड ऑप्शन हम चेक करते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी